हेलो दोस्तों, आर्मी न्यूज नीरव ब्रांड से मैं हूँ नीरव पटेल। आपके सामने मैं स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल नीरव फूड मशीन में। तो हम आज लेके आए आपके सामने चटनी मशीन, जो कि यूज होती है गार्लिक की पेस्ट बनाने में, चटनी बनाने में और कीमा करने में। और इसको मीट मिंसर भी बोला जाता है, इसको चटनी मशीन भी जो बोला जाता है, और इसको गार्लिक पेस्ट मशीन भी बोला जाता है। तो दोस्तों, इसमें हम देते हैं 1 HP का मोटर, 3 फेज है और सिंगल फेज, आपको जो रिक्वायरमेंट रहता है वो आपको मिल सकता है। और दोस्तों, मशीन के साथ हम रेगुलर यूज के लिए 3.5 mm का जाली देते हैं, और अगर आपको और भी कोई जाली चाहिए तो हमारे पास 4.5 है, 6 mm है, 8 mm है और 10 mm का भी जाली है। लेकिन मशीन के साथ तो हम सिर्फ एक जाली देते हैं 3.5 mm का, जो कि रेगुलर है। बाकी आपको अगर कुछ चाहिए अलग से तो वो आपको अलग से परचेस करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अब हम इसमें देखेंगे कि मशीन वर्क कैसे करता है। मशीन को मैं गार्लिक का पेस्ट बना के देखेंगे और मिर्ची का चटनी बना के हम देखेंगे। लेकिन दोस्तों, आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन दबा दीजिए और बाद में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे ले लिया है छिला हुआ गार्लिक, जो कि हमने हमारे गार्लिक पीलिंग मशीन में छिली हुई है, जिसका वीडियो आपने पहले देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो वो भी देख सकते हैं, आप नीचे दिया हुआ है वो वीडियो। तो हम अब मशीन को स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, हमारे गार्लिक का पेस्ट रेडी हो गया है और हम देखते हैं कि ये कितना बारीक हुआ है। देखिए आप, पूरा बारीक हो गया है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे चटनी के लिए यूज हो सकता है ये। तो दोस्तों, दूसरे डेमो के लिए हम तैयार हैं, और दूसरे डेमो में हमने लिया है मिर्ची, लाल मिर्ची, हरी मिर्ची और मूंगफली का दाना, जिससे हम चटनी का पेस्ट बनाएंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये चटनी का पेस्ट हो गया है, बिल्कुल घर पे बनाई हुई चटनी जैसी हो गई है ये। तो दोस्तों, हमने तो ये तो देख लिया कि मशीन यूज कैसे करते हैं, लेकिन अब आपके मन में सवाल होगा कि मशीन को क्लीन कैसे किया जाए। तो चलिए हम देखते हैं कि मशीन को कैसे क्लीन करते हैं। वैसे कुछ कठिन नहीं है ऐसा, कुछ बिल्कुल आसान है। तो देखिए यहाँ पे,
ये आपको पहले ओपन कर देना है नट। ये ओपन हो गया, ये जाली निकाल लिया। इसके बाद ये ब्लेड है कटर, ये कटर निकल गया। उसके बाद ये रोटर भी आप बाहर निकाल सकते हैं, ब्रम है जो, ये भी बाहर निकल जाएगा। बाकी आप अंदर हाथ डाल के भी क्लीन कर सकते हैं, कुछ अंदर हाथ में चोट लगने वाली ऐसी कुछ चीज है नहीं, वो बिल्कुल आसान है। और जैसे हमने ओपन किया है, साफ करके वापस दूसरे हमको उसको फिट कर देना है, बिल्कुल आसान चीज है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको हमारी मशीन पसंद आई है, आप इसे परचेस करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमारी वेबसाइट दी हुई है www.rdindustry.in, वहां पे जाके आप विजिट कर सकते हैं, वहां पे इंक्वायरी कर सकते हैं और वहां पे दूसरी नई प्रोडक्ट का भी जानकारी वहां पे पा सकते हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिया गया हुआ है, वहां पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और वहां पे कॉल भी कर सकते हैं। और नीचे मशीन की डायमेंशन, साइज, वेट और कैपेसिटी, मोटर सब नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। और हाँ दोस्तों, मैं एक बात आपको बताना भूल गया था कि अगर आपको ये मशीन अच्छी लगी हुई है, इसे परचेस करना चाहते हैं, तो वो तो कीजिए, लेकिन अच्छी लगी है तो लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको ये मशीन कैसी लगी और हमें कुछ सुधार करना है तो वो भी आप हमें सजेस्ट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अलग सी नए प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय।